पुलवामा में आतंकवादी हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ के जवानों को एनी रेलवे मजदूर यूनियन के महामंत्री केएल गुप्ता के नेतृत्व में शुक्रवार को श्रद्धांजलि सभा का आयोजन गोलघर स्थित इंदिरा गांधी प्रतिमा के समक्ष किया गया। श्रद्धांजलि सभा में एनी रेलवे मजदूर यूनियन के प्रदीप धर दुबे, हरीश चंद्र यादव, दिलीप कुमार धर दुबे, ब्रजेश भट्ट, विनय मिश्रा, आर के त्रिपाठी सहित यूनियन के अन्य सदस्य मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए एनी रेलवे मजदूर यूनियन के महामंत्री के एल गुप्ता ने कहा, संकल्प लेता है और जो भी जरूरत पड़ेगी वो कुर्बानी देने के लिए रेल कर्मचारी, मैंने अपना दोनों हाथ काट के आपके चरणों में रख दिया, पाकिस्तान के सीने पर चर्चा होनी चाहिए। एक पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, अटैक करो, अटैक करो, अटैक करो, सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, अटैक करो, अटैक करो, पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आतंकवादी हमला हुआ हमारे सेनाओं पर, उसी 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 चिंतन में रेल कर्मचारी, जनता, जनार्दन सभी लोग जो बेचैन हैं और उन्हीं में लोगों को जगाने के लिए क्या गया, ये हमला क्यों किया गया लगातार और इतना बड़ा हमला क्यों किया गया। और हिंदुस्तान हमेशा देश से मिल मिला के चलने वाला, शांति का सामना करने वाला एक एक संस्था है, एक ये एक कौम है और एक भारत माता है, लेकिन फिर भी क्यों हो रहा है इस तरह का हमला, तो एक अनोखा है, एक ऐतिहासिक बन के रहेगा और सरकार चुप रहेगी और जनता बेचैन रहेगी। हमारा संकल्प है कि सरकार इसका बदला लेने के लिए जो भी उपाय ढंग करता है करना चाहिए। आज रेलवे में जितना त्याग चाहिए, बलिदान चाहिए, तन मन धन चाहिए, हम तैयार हैं।